और मीणावंती वापिस अपने रंग महल में वापिस अपने घर आ जाती। जब आके देखा तो 12 कन्या लपट गई, अरे दादी मारे बाप ने कहां छोड़ आई। 16 रानी टक्कर मारे, अरे सासू मारे पति को कहां खो आई। फिर उसका समझ माई को, हो तने तो बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। बगैर बेटे के वो धारा नगरी शमशान के समान दिखाई दी मीणावंती ने, और विचार करती खानी सत्यानाश करवा के और बेटे को वापस मांगा है। लेकिन तादी फिर वापस आकर ने बोली, एक बार दिखा तो दो मेरे बेटे ने किसा है। अब बताते हैं, गोपी चंद को बाहर निकाला गया, बुलाया गया, सामने लाया गया रानी मीणावंती के। देखा कच्चे कान लहू टपके, भगमा बाणा शरीर पर बभूत रबी हुई, देख कर बेटे को इस हालात में, और चक्कर खा के गिर जाती है। कुछ देर के बाद जब होश आया तो हाथ जोड़कर अपने बेटे के सामने रोने लगी कि बेटा मेरे से बहुत बड़ा जुल्म हो गया, चल 12 कन्या 16 रानी और सारी नगरी तेरे इंतजार में बैठी। ने बोला, मां ईब कैसे याद आई तने बात। ये बात तो बहुत पहले मैं तेरे को समझाऊ था, लेकिन तने एक नहीं मानी। तू भी ये चाहत थी, देख इस बेस में तने मैं कितना बढ़िया लगू, अमर करा के ईब के मिल गया तने। तो एक बात के द्वारा गोपी चंद अपनी मां को समझाता है कि मां ये तेरे मगरमच्छ आंसू हैं, दिखावे के आंसू हैं, अब रोने से कुछ फायदा नहीं। क्या कहता है और एक बात में क्या करता है, हाँ न्यू बोलिया एरी देते हैं, बार बार धन्यवाद किया जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा पहली कली में, ये मत तू न्यू देखना चाहती थी, अब देख ले तेरे बेटे को, एक तेरे से हमने अमर होया गया है।
मारा के नाका दाड़ा जवा किया छोड़ा कन्या के पप्पू ते अस्थल खाना दवा दिया छोड़ा का ये हालत ने सब तैरन सारा दवा दिया छोड़ा का के सातों के साथ होया पार्लियामेंट असेंबली छोड़े दफ्तर जोग जमात हुआ इस कमरू देश बंगाल लेका महाराज पाट तेरे हाथ होया कमरू बहुत बड़ी गलती होगी और चल सारी धारा नगरी बारह कन्या सोलह रानी नौकर चाकर दास दासी सभी तेरे इंतजार में पलक बिछाए बैठे मेरे बेटे चल तू एक बार नुबला माप ना मैं राजकुमार और ना दास दासियों की जरूरत अब तो गुरु की सेवा करेंगे गुरु से मंत्र ले लिया अब तो उसी के साथ चलना है और आप अपने घर को जाइए बारह कन्या और सोलह रानियों को समझाओ अपना मन मगर के और भगवान का भजन करके आगे का समय अपना काट ले क्या कहता आखिर के लिए सुख के बसियो जाए मारी अरदास